क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों की छात्रवृत्ति आ गई है। आज एक ऐसा दिन था बच्चों जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी बच्चों को भर भर के छात्रवृत्ति दी गई है। मोस्टली मेरे ग्रुप या फिर और भी किसी ग्रुप के बच्चों की बात करें तो आज बहुत ऐसे मैसेजेस आए जहाँ पर बच्चों ने ये बताया कि आज उनकी स्कॉलरशिप आ गई है, आज उनकी छात्रवृत्ति आ गई है। तो इसी संबंध में आज हम जुड़े हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं कि कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है, कितनी छात्रवृत्ति आई है, और बहुत सारे बच्चे तो अकेले अकेले मजा। अच्छा, प्लानिंग कर लिया आपने क्या करना है? मोबाइल खरीदना है या फिर कुछ लोग तो मेकअप का सामान खरीदेंगे या फिर सामान खरीदना है, क्या खरीदना है आपने प्लानिंग कर लिया? सो बहुत अच्छी बात है, बट कमेंट में आप बताते चलिए कि आप में से कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। अच्छा, जिन बच्चों की नहीं आई है उनके बारे में क्या? तो देखो, ये कोई लास्ट डेट नहीं था, प्रशासन ने 31 मार्च तक का लास्ट डेट दिया। और यकीन माने हर साल ऐसे ही होता था, मतलब पहली शिफ्ट में आती थी तो भर भर के बच्चों की आती थी, फिर कल भी स्कॉलरशिप आएगी, परसों भी आएगी, आती रहेगी स्कॉलरशिप। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ऐसे कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चों ने बताया कि उनके स्कॉलरशिप आए हैं। तो अगर हम उसकी बात करें बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36,000, मतलब 36,000 रुपये, ये दरअसल 30,000 रुपये आपके अमाउंट रिफंड के होते हैं और बाकी के 6,000 आपकी स्कॉलरशिप होती है। तो मोस्टली बच्चों के इतने ही अमाउंट आए हैं, 36,360 रुपये, 30,000 उनके फीस रिफंड के और बाकी के उनके स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। सो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है इनके भी देखिए, 36,360 रुपये यहाँ पे। हाँ, ये भी बात सही है, कुछ बच्चों के 31,360 रुपये भी आए हैं, कुछ लोग के 52,000 भी आए हैं, मोस्टली SC ST कैटेगरी के कुछ ही बच्चों के आए हैं। जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आई है वो आई है 36,000, ठीक है। तो अब आपकी स्कॉलरशिप कितनी है? इनकी 20,000 आई है, 20,600 रुपये। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी थी, हो सकता है कोर्स, मतलब मैं BEd की अगर बात करूँ तो BEd के ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप तो 36,000 ही आई है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप BEd में होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप लगभग इतनी ही आई होगी, थोड़ा कम बस, ठीक है, 30,000 के आई है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये हैं वो बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप आई है, और अच्छा लगता है, मतलब देखो स्कॉलरशिप आने से मतलब ये होती है कि चलो नेक्स्ट ईयर का फीस तो हम भर सकते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आई है तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस का इंतज़ाम कर हो गया, अब नेक्स्ट ईयर आप फीस भर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। बाकी जिन्हें आईफोन खरीदना है, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन बाय, इट्स ऑन यू। सो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई बच्चों कमेंट में आप बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि वो जो लोग परेशान थे कि सर मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा, मेरा परसेंटेज नहीं सो रहा, इसमें जो स्कॉलरशिप आई है ना, अगर आप परसेंटेज नहीं भी सो रहा, उन भी बच्चों को आई है जिनका वेरीफाइड था, उन बच्चों की स्कॉलरशिप आई है बच्चों। सो आप ये रहा, बस इतनी छोटी सी बात करनी थी इस वीडियो में। बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है, चैनल से जुड़े रहिए, BEd की क्लासेज यहाँ पर चलते रहते हैं, हम यहाँ पर एक साथ पढ़ाई करेंगे, चाहे भी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है और आपका कोर्स क्या है, फीस कितनी थी, ये बता सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों का नहीं आया है बिल्कुल घबराए नहीं, अगर आपका वेरीफाइड है, अगर आपका वेरीफाइड है तो 31 मार्च तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद भी आगे संभावना है, लेकिन 31 मार्च तक आशा है कि आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है स्कॉलरशिप को लेके। बाकी जिन बच्चों को मिल गया, अगर मिठाई खिलाना चाहते हैं मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सेप्ट दैट। सो बट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इनकी छात्रवृत्ति आ गई। सो इन्जॉय करिए, मस्ती करिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा खुश नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।